डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए कार्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और भवन निर्माण के अतिरिक्त पहली बार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस प्रकार के उच्च तकनीक पर आधारित संग्रहालय के कार्य को अंजाम दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च 2016 को स्मारक की नींव रखी थी। 2 वर्षों के तय समय सीमा एवं लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य को पूर्ण करते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 एकड़ में निर्मित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक को 13 अप्रैल 2018 को मिश्रण कर एक उत्कृष्ट डिजाइन को साकार रूप दिया है, जो अद्भुत है और अतुल्य है, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। कैसे कह दूं तुमको, तुम हो भारत के रतन, विश्व ने सीखी समता तुमसे, तुम हो विश्व रतन। जब तक सूरज चांद रहेगा सागर में पानी, तब तक गूंजेगी दुनिया में अंबेडकर वाणी। कैसे कह दूं तुमको, तुम हो भारत के रतन, विश्व ने सीखी समता तुमसे, तुम हो विश्व रतन। जब तक सूरज चांद रहेगा सागर में पानी। साथ ही विपरीत मौसम में बारिश आदि से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील से बाहरी आवरण पर फिंस बनाए गए। बिजली की बचत के लिए 50 किलोवाट सोलर पैनल का भी प्रयोग किया गया है। स्मारक में 2 बड़े प्रवेश द्वार भवन के आगे और पीछे बनाए गए हैं। स्मारक का समग्र परिवेश आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक बौद्ध वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है। इस संग्रहालय में 27 प्रदर्शनियां हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, कार्य, साजो सामान और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती और प्रदर्शित करती हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही संग्रहालय के स्मारक और भवन के मुख्य द्वार के बीच एक 12 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ है। इसे बनाने वाले कुशल कारीगरों की तलाश करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा। संग्रहालय में 2 तोरण द्वार बनाए गए हैं। तोरण द्वार को सांची स्तूप की अनुकृति दी गई है, जिसके वास्तविक चित्रों को कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक डिजाइन में गढ़ा गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संगीतमय फव्वारे लगाए हैं, जो कला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिश्रण है, जिसे कंप्यूटर के माध्यम से मन भावन बौद्ध संगीत और रंगीन रोशनी से कोरियोग्राफ किया गया है। ये फव्वारे संगीत की लय के अनुसार नृत्य करते हुए प्रदर्शित होते हैं। स्मारक परिसर के पूर्वोत्तर कोने में पवित्र बोधि वृक्ष लगाया गया है तथा इसे भूमिगत लाइटों से प्रकाशमय किया गया है। जलपान ग्रह की बाहरी दीवार पर हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रतीकात्मक मुद्राओं को दर्शाया गया है। ये 12 बौद्ध हस्त मुद्राएं विभिन्न भावों को दर्शाती हैं। संग्रहालय में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े दस्तावेज, उनकी पृष्ठभूमि को प्रकाशमय करते हुए प्रकाशित चित्र व उनके लेखन की बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी गई हैं। प्रदर्शनियां तथा तस्वीरें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्कूल, कॉलेज, उनका जन्म स्थान और आंदोलन आदि को दर्शाती हैं। ये भाग संग्रहालय के ऑडियो वीडियो भाग को दर्शाता है। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी लघु फिल्में बड़ी बड़ी LED दीवारों पर दिखाई गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जानकारियों को एकत्रित करना भी जटिल कार्य था। बड़ी गहनता के साथ छोटी से छोटी जानकारी खोज कर निकाली गई, जिससे वीडियो फिल्मों के लिए कंटेंट जुटाया गया। इसकी खास बात ये रही है कि स्मारक के भीतर उनके जीवन से जुड़ी सभी वीडियो सामग्री और संग्रहालय में स्थित फ्रंटलिट और बैकलिट पैनल और अन्य कलाओं में बहुत भिन्नता रखी गई, ताकि कोई भी जानकारी और दिखाई जाने वाली वीडियो एक सी न लगे। इसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से हर वस्तु को अलग अलग तकनीक से दर्शाया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भीतरी हिस्सों में पुतलों के माध्यम से वास्तविक ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाया है, जिसमें भारत के संविधान पर हस्ताक्षर और संविधान को सौंपने का दृश्य देखते ही बनता है।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने स्मारक में बड़ी कुशलता से एक एनिमेट्रॉनिक्स का प्रयोग किया है, जिसमें एक मानव आकार का रोबोट है जो डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही दिखाई देता है, जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए संविधान सभा के एक भाषण को प्रस्तुत करता दिखाई देता है। भारतीय संविधान पर मल्टी टच इंटरैक्टिव टेबल्स का इस्तेमाल संविधान से संबंधित जानकारी देने के लिए किया गया है, जो अपने आप में अनूठा है। इसके साथ ही पंच तीर्थ के भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं, जिससे दर्शकों को पंच स्थलों की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलती है। संग्रहालय के पश्चिमी भाग में एक गुंबद के नीचे बहुत ही सुंदर और वृत्ताकार ध्यान कक्ष बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था एवं वातानुकूलन भी किया गया है और महात्मा बुद्ध की एक बड़ी और सुंदर सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस स्मारक को बनाने में आधुनिकता और संस्कृति का